नमस्कार, डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। 5 राज्य के चुनावों के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसमें से हिंदी भाषा 3 बड़ी स्टेटों पे भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत हुई है और एक में कांग्रेस को मिली है। उम्मीदें कुछ और लगा बैठे थे लोग, यही समझ रहे थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोई ऐसा आवाज उठ रही थी जिस तरह से कि शायद ये स्टेटें जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेंगी, यहाँ पे कांग्रेस जो है अपना राज्य बनाएगी। लेकिन हुआ विपरीत। अब ये देखना है ये है कि इन नतीजों का असर जो है हमारे राज्य जम्मू कश्मीर में क्या पड़ता है, इस पर हमारे चर्चा करेंगे। हमारे साथ है मनीष सानी जी, शिवसेना के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर यूटी के। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार जी, शुक्रिया। मनीष जी, रिजल्ट आपके सामने है और जिस तरह से चर्चा चल रही थी, शायद जिस तरह हम भारत जोड़ो यात्रा की कांग्रेस ने की और बाकी इंडिया गठबंधन भी बना, लग रहा था कि एक बहुत बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के सामने, लेकिन चुनावों के नतीजे कुछ उल्टी निकले। अब ये देखना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इन चुनावों का क्या असर होगा। देखिए, कोई असर नहीं होगा, हर चुनाव अपने राज्य के हिसाब से लड़े जाते हैं। एक ये चुनावी मैदान है, जंग है, एक तरह की हार जीत इसमें चलती रहती है और जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। अब तो बहुत सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम बाबा ने जो है उनकी बहुत ज़्यादा मदद की, और सबसे जो फैक्ट सामने आ रहे हैं उस हार के बावजूद भी देखिए कांग्रेस का वोट 10 लाख से लगभग उनसे ज़्यादा है बीजेपी से। तो इन चुनाव में हार जीत चलती रहती है। इसके जम्मू कश्मीर को लेकर अगर तो ईवीएम बाबा ने इनकी मदद नहीं की तो ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ये तय है कि बीजेपी की हार यहाँ पर जम्मू कश्मीर में निश्चित है। हम तो अब ये मांग उठाएंगे, बिल्कुल लगातार शिवसेना ये मांग उठाएगी, तमाम विपक्षी पार्टियों को लेकर अब हम ये मांग उठाएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो विधानसभा चुनाव होंगे वो बैलेट पेपर से होने चाहिए। एक बार आप करके तो देखिए, ईवीएम को अलग छोड़ के बैलेट पेपर से चुनाव करवा कर देखिए, फिर देखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर बीजेपी को लोग चाहते होंगे तो बिल्कुल बीजेपी जीत के आएगी, मगर जहां पर शंका रह जाती है, देखिए हमारे कानून के अंदर भी कहा गया कि एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, चाहे 10 गुनाहगार छूट जाए। तो अगर लोकतांत्रिक का मजा वही है, अगर लोकतांत्रिक देश में रहते हुए किसी को भी शक है तो आप उस चीज को अलग कीजिए। और ईवीएम देखिए, आप बाहर तमाम कंट्रियों को देखिए, पूरा यूरोप ईवीएम से तौबा कर चुका है, अमेरिका इतना डेवलप कंट्री ईवीएम से तौबा कर चुका है, वहां ईवीएम मशीन में नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। तो हिंदुस्तान, हमारे भारत के अंदर खास करके बीजेपी सरकार क्यों ईवीएम से ही चुनाव कराने की जिद पर अड़ी है? जब ये विपक्ष में थे ये भी आरोप लगाते थे कांग्रेस के ऊपर, तब लाल किशन आडवाणी ने भी इनके ईवीएम के ऊपर जो है सवाल खड़े किए थे, मगर आज ईवीएम इनके इस्तेमाल में आ रहा है तो बीजेपी बिल्कुल भी इस पर बोलने को तैयार नहीं। लेकिन मनीष जी, जब हिमाचल में चुनाव जीतते हैं, कर्नाटक में चुनाव जीतते हैं, तेलंगाना में चुनाव जीतते हैं, तो तब ईवीएम में क्यों नहीं बात होती? देखिए, इस समय जो पक्ष है, जो मैं तो कहूंगा कि जो कांग्रेस की दुश्मन पार्टी है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग हैं, उनका कोई वाली वो नहीं है, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो बिल्कुल छोटे राज्यों के अंदर आपको चुनाव जताते हैं, आपकी बोलती बंद करते हैं और फिर सीधा एक कुल्हाड़ी मारते हैं और तमाम राज्य जो है वो समेट कर ले जाते हैं। इस मामले में मैं कहता हूं कि हम जम्मू कश्मीर के ऊपर ज़्यादा बात करें, ये बिल्कुल नेशनल इशूज़ है और इनके ऊपर जो है आरोप प्रतिरोप लगते रहेंगे। जम्मू कश्मीर पर हम आते हैं, जम्मू कश्मीर में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 को लेके जो सुनवाई चल रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि इसी महीने इसका जो डिसीजन जो सामने आ जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि धारा 370 क्या सुप्रीम कोर्ट आपको वापस दे देगी या नहीं देगी, क्या हालात बनेंगे? देखिए, वंदनीय बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के संस्थापक थे, उनका हमेशा सपना रहा था, और जब धारा 370 हटाई गई तो शिवसेना उसमें बीजेपी के साथ मुख्य घटक दल के रूप में उपस्थित थी, हम उनका एक हिस्सा थे, मुख्य हिस्सा थे हम वहां पर। हमारा सपना था, वंदनीय बाला साहब ठाकरे का सपना था, एक देश एक संविधान एक निशान। धारा 370 को लेकर अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते, धारा 370 इतिहास बन गई है, बहुत सारी खामियां थी उसके अंदर, और मैं तो उसके हटने का कारण
मैं अपना जो है कश्मीर के नेताओं को भी जरूर बताऊंगा, कश्मीर की पार्टियों को बताऊंगा जो आज धारा 370 के हक में है। जब इन्होंने 50 साल जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने सरकार चलाई, चाहे वो नेका थी या पीडीपी थी, इन्होंने उस समय धारा 370 को परमानेंटली प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? उस समय तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया। देखिए धारा 370 के अंदर कमियां थी। हमारे जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनका हक नहीं मिलता था शादी के बाद। वाल्मीकि समाज जो इतने सालों से यहां पर रह रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, उनको हक नहीं मिलता था। वेस्ट पाक रिफ्यूजियों को मतदान का अधिकार नहीं था। और सबसे बड़ी इसके अंदर जो दिक्कत थी कि अलग झंडा था, अलग संविधान था, अलग कानून था। अगर हम एक देश के, अगर हम भारतवर्ष के अंदर रह रहे हैं, इंडिया के अंदर रह रहे हैं, तो हम भी ये मांग करते हैं कि एक संविधान, एक निशान, एक प्रधान होना चाहिए। इसको लेकर हाँ, जहां तक विशेषाधिकार की बात है, बिल्कुल विशेषाधिकार जम्मू कश्मीर की लोग जो है वो डिजर्व करते हैं। हम 35 सालों से आतंकवाद से जूझ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, हम एक बॉर्डर सीमावर्ती राज्य के आवाम है। तो तमाम पूर्व के अंदर जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं, आपने धारा 370(1) उन वहां के लोगों को अपनी संस्कृति पहचान के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी शिक्षा संस्थाओं में अपने आरक्षण के लिए अधिकार दे रखे हैं। तो जम्मू कश्मीर भी हम 370 की तरफ नहीं देखना चाहते। कोर्ट का निर्णय जो भी होगा वो तमाम लोगों को जो है वो मान्य होगा। उसमें हम भी आते हैं, सरकार भी आती है, पक्ष भी आता है, विपक्ष भी आता है, मगर मैं चाहता हूं कि एक कदम आगे बढ़ा जाए। हमारे से अलग हुए लेह लद्दाख को आप देखिए, वो एक कदम आगे बढ़ चुके हैं और केंद्र सरकार में उनकी सुनवाई भी है। वो एकजुटता के साथ राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, वो एकजुटता के साथ अपने युवाओं के लिए नौकरियों के अंदर आरक्षण मांग रहे हैं और सरकार उनकी सुन रही है, मगर हमारे कुछ नेताओं की सुई वहीं 370 पे अटकी हुई है। आप आगे बढ़िए, आवाम की सोचिए, 370 को छोड़िए, जिसमें आवाम को फायदा है, जम्मू कश्मीर की जनता को फायदा है, स्थानीय लोगों को फायदा है, हम उस लाइन पर चलना चाहते हैं। वो तो राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप पूर्ण राज्य की बात करते हैं? बिल्कुल, पूर्ण राज्य विद धारा 371 विशेषाधिकार के साथ। हमारा तो यूटी दो बन गए हैं। लद्दाख जो है वो अपने राज्य की बात कर रहा है और हम पूर्ण राज्य की बात करते हैं, लेकिन जो चीज होनी नहीं है हम उसके पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर, हमारी केंद्र सरकार क्या दावे करती थी, अखंड भारत के, अखंड जम्मू कश्मीर के। ये अखंड भारत, अखंड जम्मू कश्मीर ने 5 अगस्त 2019 को क्या किया, जम्मू कश्मीर को ही दो हिस्सों में बांट दिया, दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, लेह लद्दाख हमारे से अलग कर दिया। अरे आप तो सदन के टेबल को पीटते थे और बजाते थे उसको कि अगला कदम अब हमारा पीओजेके लेने का होगा। पीओजेके कहां है? आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, हिंदुस्तान पर उसका कब्जा नहीं है। आपने तो जम्मू कश्मीर को ही दो हिस्सों के अंदर बांट दिया। हम तो चाहते थे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पीओजे, एक अखंड जम्मू कश्मीर मिले, अखंड भारत का निर्माण हो। लेकिन अब स्थिति यह है कि जिस तरह से आपने दो दिन पहले भी एक प्रोटेस्ट किया था, जम्मू, जब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, खासकर जम्मू के अंदर जहाँ पे अपराध बहुत बढ़ते जा रहे हैं, आपने रोहिंग्या की बात की, बांग्लादेशियों की बात की, यहाँ पे आप बसे हैं, और अब यह है कि हर दिन आपको या तो कहीं ना कहीं किडनैपिंग का कोई मसला सामने आएगा, कहीं रेप केस का आएगा, कहीं गैंग रेप का आएगा। ये 3-4 दिनों में ऐसे ही बहुत से केसेस जो हैं जम्मू में हो रहे हैं, और आज तो हद हो गई है कि आज जो DPS स्कूल है वहाँ को उसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वो दूसरी बात है कि बाद में वो फेक साबित हुआ, लेकिन फिर भी अपराधियों का हौसला इस तरह बढ़ रहा है कि वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। देखिए निंदनीय है, चिंताजनक है। कश्मीर संभाग में जरूर आतंकवाद रहा है, मगर जहां तक जम्मू संभाग की बात है, अरे हम तो फकर करते थे, जम्मू संभाग एक शांति प्रिय इलाका था। हमारी बहनें माताएं रात को 2 बजे 1 बजे भी कहीं से आती जाती थी, बिल्कुल सेफ इलाका था। कभी हमने चोरी, इस तरह की घटनाएं कभी देखी ही नहीं थी, ना कभी सुनी थी। हाँ, इक्का दुक्का जरूर कहीं ना कहीं घट जाती थी, मगर अब आप देखिए पिछले 5 सालों से क्या हो रहा है। जम्मू के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, जम्मू के अंदर चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, किडनैपिंग बढ़ रही है, और जो हम रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों के खिलाफ हमने मुहिम चलाई है वो किस लिए है? देखिए एक बहुत घिनौना सा कृत्य उनका सामने आया जिसको सुनकर भी जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम एक अति संवेदनशील जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हैं, और ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर, पहले तो हमें यह समझ नहीं आता कि ये जम्मू कश्मीर में करने के आ रहे हैं, ना तो इनकी सीमा हमारे साथ
साथ सटी हुई है, ना ही हमारे साथ इनकी कोई सांस्कृतिक समानता है। फिर आप हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर जम्मू कश्मीर आ रहे हो, ये गहन चिंता का विषय है और इसका जो है जांच का विषय भी है। और सबसे घिनौना कृत्य जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वो ये है कि महिलाओं की तस्करी, महिलाओं की खिरोद फरोद। हाल ही के अंदर आपने देखा है कि बठिंडी के अंदर, ये जम्मू कश्मीर पुलिस का खुलासा है, महिलाओं को गिरफ्तार किया, जो महिलाएं बिकने के लिए जा रही थी, बेचा जा रहा था वहां पर महिलाओं को कश्मीर के अंदर जाकर, वहां शादियां करवाई जा रही हैं लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ। आप सोचिए अति संवेदनशील जम्मू कश्मीर में विदेशी महिलाओं को आप यहां लाकर उनकी शादियां करवा रहे हो, उनका इस्तेमाल कहां कहां किया जा सकता है, यह बहुत ज्यादा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को सतर्क होना पड़ेगा। यह ना हो कि एक सीमा हैदर ने जो है वो तहलका मचा दिया था पूरे देश के अंदर और यहां पता नहीं कितनी सीमा हैदर कश्मीर के अंदर छुपी हुई है। मुनीष जी, मैं अंत में आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने करें 5 राज्यों के चुनावों का जो रिजल्ट आया है, कि उसके बाद क्या आपने उम्मीद लगाई है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे? देखिए, निकट भविष्य के अंदर मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव होने वाले हैं, ना निकाय चुनाव, ना पंचायत के चुनाव, ना विधानसभा के चुनाव। चुनाव होंगे लोकसभा के ही चुनाव होंगे। क्यों? क्योंकि हाई कमांड इनका नहीं चाहता, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि किसी तरह का जो है वो लिया जाए, इस तरह का किसी तरह से जो है कोई चांस ना हो इनके पास के किसी, अगर जम्मू कश्मीर का इनको जनाधार जो है बीजेपी के विपरीत आता है तो पूरे देश के अंदर गलत सिग्नल जाएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर और कश्मीरी पंडित धारा 370 को लेके बीजेपी ने तो पूरे देश के अंदर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है, मगर जम्मू कश्मीर के अंदर उनके पास चुनाव करवाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रदेश के बीजेपी के जितने भी नेता है उनका जनाधार खिसक चुका है। ये जो चुनचुने पकड़ाए जा रहे हैं ना, कभी कभी आप कश्मीरी पंडितों को हाल ही कल ही जो है पार्लियामेंट के अंदर कहा जा रहा था, संशोधन किया गया जम्मू कश्मीर पुनर्वास अधिनियम को, अंदर बीजेपी उनके पीओजेके के लिए जो है एक सीट रखी गई, कश्मीरी पंडितों के लिए दो दो सीटें जो है वहां पर आरक्षित कर दी गई। ये किस लिए? अरे, आपने तो वादा किया था कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा घाटी वापसी का, 10 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने का, यानी 2 टेन्योर आप कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को यहां से वापस सेटल नहीं कर सके वहां पर। पीओजेके लगातार अपनी मांगे कर रहा है, पीओजेके के लिए आपने 24 सीटें आरक्षित रखी हुई हैं, फ्रीज की हुई हैं। बिल्कुल, वो किस लिए फ्रीज की हैं? उनको खोलो, पीओजेके के 12 से 15 लाख लोग जो है यहां पर है, जिसमें से 10 से 12 लाख लोग तो खाली जम्मू कश्मीर के वासी हैं, उनको आप दीजिए, वो 8 से 10 सीटें मांग रहे हैं, क्या फर्क है उनको देने में? उनकी मांगों पर क्यों नहीं गौर किया जा रहा? और सबसे बड़ी जो हमें दिक्कत हुई है कल के माननीय अमित शाह जी के निर्णय के बाद, जो वो अधिनियम और जो अध्यादेश लाने जा रहे हैं वो, कि उसमें आप मनोनीत, आप वो क्यों कर रहे हो कि इसका जो है उनको लड़ने दीजिए, उनको कश्मीर में अपने सीटों पर जाके लड़ने दीजिए। आपने माननीय उपराज्यपाल जी को पावर दे दी है कि किसी भी सदस्य को आप मनोनीत कर सकते हो, वो सदस्य कैसे सरकार के खिलाफ जाएगा? जिसको सरकार ही जो है मनोनीत कर रही है, वो सरकार के पॉइंट कैसे उठा सकता है और कब कैसे वो जनता की हित की जगह वो सिर्फ सरकार के हित के बारे में सोचेगा? ये भी निंदनीय है। और पीओजेके वाले भी यही कह रहे हैं जी हमसे मजाक है, जैसा आपने कहा कि 24 सीटें जो है वो फ्रीज की हुई हैं, उनमें से एक सीट पे नॉमिनेट है, जबकि उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे कितनी है और पूरे पीओजेके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा मजाक है उनके साथ, मुझे समझ नहीं आती। 24 सीटें आप वहां खाली रखते हो, फ्रीज रखते हो, आप पीओजेके पर कब्जा कीजिए। देखिए, कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को आप 2 सीटें दे रहे हो, वो भी कोई बनती नहीं है, आप उनको वापस सुरक्षित उनकी घाटी वापसी करवाइए। पीओजेके के लिए जरूर बनती है, क्योंकि आज पीओजेके पाकिस्तान के अधीन है। आप जिस दिन पीओजेके को लेकर आओगे, वो लोग भी अपने इलाके में जाकर लड़ेंगे, मगर आज अगर वो यहाँ हमारी टेरिटरी के अंदर अपने हिंदुस्तान की टेरिटरी में रह रहे हैं तो उनका ये हक बनता है कि उनको 8 से 10 सीटें दी जाए उनकी संख्या के मुताबिक। मुनीष जी, उम्मीद करते हैं जिस तरह से आपने जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा की, आने वाले दिनों में कुछ तब्दीली की उम्मीद कर रहे हैं। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, अपने डीजी आए हैं, डीजी पुलिस भी आए हैं, और हमें उम्मीद करते हैं इसमें भी सुधार होगा और आगे भी कोई और नया हमारे सामने विषय होगा तो फिर आपको तकलीफ देंगे। आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए।
नमस्कार।